नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा GSTR 4 फाइल करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनुअल रिटर्न में जाइएगा, ठीक है। आपका ये 2021 है, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट है 31/7 है। यहाँ पे जाके देखिए, है ना, और यहाँ पे जो आपका 4A का कुछ हो रहा था कि आएगा इनवर्ट भी, यहाँ पे देखिए वो दिखाई नहीं दे रहे, है ना। इन्वर्ट मतलब आपने जो परचेज किया है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ दिखाई देगा। सुनने में आ रहा था कि आएगा, अपने आप अपलोड हो गया, दिखेगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा देख कुछ रहा नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डालना है। हाँ, एक चीज और है आपका, जैसे आपका क्वार्टरली जो आपका 4A होता था वो एक्सेल में भी उपलब्ध है, ठीक है। जैसे जनवरी मार्च में जाके देखिए, डाउनलोड पे जाइए और ये आपका एक्सेल फाइल टू डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एक्सेल फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप इससे भी अपना परचेज का डाटा 4A का मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा क्लेटेक्स सॉफ्टवेयर की मदद से आपको कैसे फाइल करना है, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया, जिसमें से जीएसटी सॉफ्टवेयर है, ये टैक्स क्लाउड का, ये क्लेट टीडीएस है, ये आपको इनकम टैक्स के लिए यूज होता है, मैं ये भी यूज करता हूँ, ये भी यूज करता हूँ, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, ठीक है। अभी इसका कुछ पढ़ नहीं रहा है। ये आपका जो जीएसटी सॉफ्टवेयर है, इसका ये लोग कुछ भी जो भी है आपका लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका पेड वीडियो नहीं है, मतलब मैंने उससे कुछ नहीं लिया है, ठीक है। ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है, 1 मंथ का डेमो रहता है, आप इसको यूज करके देख सकते हैं, उससे आप फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइल करते हैं, ठीक है, जीएसटी सॉफ्टवेयर इनका फ्री वाले से। बाकी अगर आप लोगों को अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो आप परचेज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें तो करिएगा, नहीं चाहिए तो अपना रिटर्न बस फाइल कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिन पे जाइएगा, तो यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल के यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिएगा। मैंने ऐड कर रखा पहले, यहाँ पे जाइए, रिटर्न पे जाइए, GSTR 4 पे जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आप जो ये डाउनलोड 4A, इसका मैंने वीडियो बनाया भी था कि कैसे 4A अपना आप देखना है, ठीक है। साल भर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जून से आपको जून 20 से मार्च 21, ठीक है, अप्रैल मई जून, जुलाई सितंबर, अक्टूबर दिसंबर, फिर मार्च, आपके 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है। 2021 के लिए जून आपका फर्स्ट क्वार्टर है और मार्च आपका लास्ट क्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड जैसा पूरी डाटा करना होगा, ठीक है। एपीएन एक्टिव यहाँ पे जाके अपना, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा और ओटीपी पूछेगा और आपका यहाँ पे एपीआई कनेक्शन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, ये मैंने आपको वीडियो पहले पड़ी हुई है, इसको चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो डाटा है वहां से आपका डाउनलोड हो रहा है। कि आपका डाउनलोड हो गया है, ठीक है। बैक टू रिपोर्ट पे जाइए, यहाँ पे इसको डाटा को डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा वक्त ले रहा है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, देखिए यू हैव सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ठीक है, ये आपका ये डाटा आ गया, इनकी इतनी परचेज है। आप इस परचेज को आप अपने आप से मिला लीजिएगा, जो आपके पास जहां भी आपने इसका डाटा रखा होगा, इस डाटा से आप मैच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास जो डाटा उसे आपने मैच कर लिया, आपकी 4A का कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब एनुअल में जाइएगा और जो बाकी चीजें उनको भी फिल कर लीजिएगा,
अगर आपका कुछ होता है तो मैं अभी बता रहा हूँ क्या क्या चीजें। बेसिक किस में जाइए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्रीगेट टर्नओवर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो मतलब आपकी सेल थी पिछले साल की, वो आपको लेनी है। वो 19-20 का आपने फाइल किया होगा, वहां पे आप जाके एक बार से इसको देख लीजिए क्या है आपका। ठीक है, ये इनका नील का फाइल है शायद, ठीक है। आप इसमें इनकी सेल कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए 6 में आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इनका आपके पास जो भी हो आपकी सेल वो आपने यहाँ पे फिल कर लीजिए। इसको 0 सेव कर दिया। बेसिक किस में गए, 0 सेव है, ठीक है। उसके बाद ये फिर समरी ऑफ सेल पे 08, यहाँ पे इनकी 3,30,012 सेल है, ठीक है। आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि आपकी एक्चुअल सेल कितनी है, आपको एक्चुअल सेल डालनी है, ठीक है। सेल पे 08 में आपने जो भरी है और आपकी जो एक्चुअल है दोनों को मैच कर लीजिए। अगर वही है आपकी तो आपको यहाँ पे वही भरनी है, ठीक है। मतलब आपने जो साल भर में सेल करी है और जो आपने सीएमपी 08 में यानी आपने जो रिटर्न में दिखाया है उन दोनों को देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्या वो दोनों सेम है, अगर सेम है तो यहाँ पे भर दीजिएगा, नहीं तो जो आपकी एक्चुअल हो उसको आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तीन लाख 30,012, ठीक है। आप यहाँ पे टैक्स मैच कर लीजिए 1650.06, 1650.06, ठीक है। ये 1% पे है, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव और डॉट सप्लाई कर लिया आपने, ठीक। अब यहाँ आपको 4A का डाटा लेना है। उसके अलावा देखिए इनवर्ट सप्लाइज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, क्योंकि आपका जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उस पर 9394 यानी आपका जो रिवर्स चार्ज है उस पर एप्लीकेबल है। अगर आपका कुछ रिवर्स चार्ज का भी रहता है तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ये आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देख जब अपना डाटा इम्पोर्ट करेंगे, है ना, तो आप इसको अगर आपकी टैली या किसी और सॉफ्टवेयर में, तो आप डाटा यहाँ से इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब अपने उस सॉफ्टवेयर से यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, देखिए इम्पोर्ट एक्सेल बता रहे हैं। अब यहाँ से आपको ये जो हमने डाटा डाउनलोड किया है, ठीक है, ये डाटा लेता है इसको, पहले इसको मैं दिखा देता हूँ लेता है कि नहीं लेता है, ठीक है। सामने ही है, देखिए इसको नहीं लेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ वापस जाइए, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सेल पे जाके यहाँ का जो क्लियर टेक्स्ट का जो आपका फॉर्मेट होगा उसको आप डाउनलोड कीजिए। देखिए डाउनलोड क्लियर टेक्स्ट टेम्पलेट्स, इसको डाउनलोड कर लिया आपने। कमीशन टैक्स पेयर वाला था, परचेज इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई, ये करना है। डाउनलोड टेम्पलेट कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। जब तक इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और या तो आपके पास अगर कहीं भी आपका और कहीं आपने एक्सेल पे सेव कर रखा है उस पर भी कर सकते हैं, टैली से डाटा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, वीडियो कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस डेट आ गई, इनवॉइस नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सप्लायर का जीएसटी नंबर को कॉपी करना है, ठीक है। जीएसटी नंबर आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, रेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट और आईजीएसटी का जो अमाउंट है वो भी लिख दीजिए। अगर आपका रेट वाइज भी है तो आप यहाँ रेट वाइज भी भर सकते हैं, ठीक है। इतना आपने कंप्लीट कर लिया, ज्यादा चीजें आपको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंडेटरी चीजें वहां पे देखिए लिखिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी जरूर लिखिएगा, चाहे रेट लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन ये जरूर लीजिएगा, ठीक है। और आप टोटल वैल्यू जरूर देख लीजिएगा कि ये आपकी सेम आ रही कि नहीं आ रही है, यानी इनका जो टोटल है टोटल टैक्स वैल्यू है आपकी। अभी मैं आपको जब वहां पे अपलोड करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे जाइए क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर में वापस, थोड़ा मैं स्लो बता रहा हूँ, ठीक है।
कि जिसे लोग आराम से समझ लें, GCR4, ठीक है। यहाँ पे जाके इंपोर्ट करना है, हम लोग एक्सेल इंपोर्ट कर लेते हैं बेसिकलीज। एक चीज मैं और बता देता हूँ कि ये जो परचेज इनकी काफी कम थी, तो मैंने इनकी पहले से मिला ली है, लेकिन आप जो 4A के डाटा और अपना डाटा का जरूर मिलान कर लें। यहाँ पे इनका डाटा और 4A का डाटा सेम है, इस वजह से मैंने इसमें ज्यादा चेक नहीं किया है, क्योंकि चेक पहले हो चुका ही है, ठीक है। पास दो के साथ थे, सातों के साथ हो गए, प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आते हैं किस पे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं ये सात इनवाइस आगे टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 6 लाख, ठीक है। छह लाख 1,374, ठीक है। 1,08,247 और ठीक है, और इनवाइस वैल्यू ये आ रही है 7 लाख के अप्रोक्स। अब इसको हम लोग यहाँ पे मैच कर लेंगे, ये हमारा डाटा ओरिजिनल डाटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखिए 6,01,374 आ रहा है, ठीक है। 6,01,374 यहाँ भी आ रहा है। टैक्स हमारा देखिए, इनका भी टोटल कर लें, हमारा टोटल आ रहा है देखिए 1,08,247.39, ठीक है। यहाँ पे 1,08,247.39 टोटल वैल्यू इनवाइस वैल्यू देखिए, यहाँ पे इन सबका टोटल कर देंगे तो वही आएगा 7,09,621.79। और यहाँ पे 7,09,621.79, ठीक है। ये हमारा मैच हो गया। बाकी अगर आप लोगों का इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज है, तो इनको भी आपको भरना होगा, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर भरिएगा, ठीक। यहाँ भी भर सकते हैं और ऑनलाइन आपका वहां ही भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, सब चीजें सेव हो गई, ऑर्डर भी सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक बार फिर से मिला लीजिए ऑनलाइन से एनुअल रिटर्न, ठीक है। 2021-19-20 का आपका जो टीवीएस का टर्नओवर था, यहाँ पे नील है ना, तो यहाँ पे जीरो भरा गया है। अगर आपका कुछ टर्नओवर था, मान लीजिए आपने जैसे 5 लाख का सेल 19-20 में की, तो यहाँ 5 लाख अपना भरेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसलिए जीरो है। यहाँ पे अगर आपका 0%, 1%, 2% या 5% जो भी आपका, उसमें उस लैब में आपको डालना, इनका 1% वाले कंपोजिशन में, तो इस 1% वाले में गया, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम लोग GCR4 को CMP08, ये जो साल भर का दिखाया 3,30,012, ठीक है। और इनका साल भर का 3,30,012 है, 3,30,012 16,50.06, 16,50.06, ठीक। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे इसको अपलोड एंड फाइल करना है, अपलोड एंड सेव GCR4, ठीक है। यूजर आईडी और पासवर्ड अपने आप सेव रहेगा, अगर आप जब इसको 4A क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, प्रोसीड हो गया, प्रोसेस टू फाइल GCR4। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, या इसको प्रोसीड टू फाइल पे करना है, इसको रिफ्रेश करिए। अब डाउनलोड GCR4 समरी PDF, PDF ओपन होगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। ये आपका ओपन हो गया, प्रीवियस टर्नओवर जीरो, उसके बाद आपकी परचेज थी 6,01,000 के, उस पर IGST थी 1,07,000, यहाँ जब ये था जहां भरा था, और ये ठीक है। अच्छा, यहाँ इसका वेरिफिकेशन नहीं है, इसका वेरिफिकेशन एक्सेल पे ही है, आपका आ गया, ठीक है। 6,01,000
6 374 6 374 1 7 113 ठीक है, और 567 568 मतलब ये आपका ठीक है। उसके बाद फिर आपका इनवर्स सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज मतलब कुछ नहीं है, अंडरस्टैंड पर्सन में भी नहीं है और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में भी कुछ नहीं इनका, ठीक है। अब यहाँ पे सेम पी 08 में लाइबिलिटी 3,30,012 की है, 6 में हम लोग 3,00,000 वही सेम लाइबिलिटी करी है, 16,50 16,50 समथिंग टैक्स आ रहा है, टीसीएस कुछ है नहीं इनका, 16,50 का इनको टैक्स पे करना था, इन्होंने 16,50 का ही टैक्स पे किया है, यहाँ पे बाकी कुछ है नहीं, ना पेपल है ना इंटरेस्ट है ना कुछ लेट फी है, ये हमारा ये फाइनल है। अब इसको हमारे क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल करके कंटिन्यू। अब यहाँ पे मैं HSN कोड डाल, वो आपका जो है OTP डालनी है, और आपका ये GSTR4 फाइल हो गया, ठीक है। डाउनलोड GSTR4 कंप्लीट PDF। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब आप यहाँ पे जाएंगे यूनिवर्सल सप्लाई रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे देखिए आपका पार्टी वाइज आता है, आप इसको चाहे तो अपने आप से भी भर सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन भी, लेकिन ये थोड़ा सा हेक्टिक है ना, आप ऑनलाइन भी यहाँ पे जाके जीएसटी नंबर डाल के उसका टैक्सेबल वैल्यू टैक्स अगर आपके पास अलग अलग सबका पार्टी को अलग अलग बनाए तो यहाँ डाल के ऑनलाइन भी ऐसे फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस मैं आज की वीडियो को नहीं एंड करता हूँ, काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मतलब लय में नहीं आ पा रहा हूँ, तो चलिए ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।